फिर एक और नया व्लॉग की शुरुआत होते और सुबह सुबह निकल गए वापस हम, क्योंकि सुबह ही निकलना होता है नाइट जॉब करने के बाद में। और ये हमारे दोस्त राहुल जी, हेलो। और अभी हम पहुंचे हैं सामोद बालाजी के। हमारा एक दोस्त तोड़ने गया दातून और ये पीछे अनीश भाई दातून तोड़ने गए हैं नीम के, क्योंकि ब्रश करके तो कोई आया नहीं है। अभी 60 किलोमीटर अप्रोक्स आ चुके हैं और थोड़ा 3-4 किलोमीटर आगे और जाना है। जैसे कि आप पीछे देख रहे हो पहाड़ वगैरह स्टार्ट हो चुके हैं और ऐसे हम लोग झरने वगैरह और ऐसे इंजॉय करने हैं। तो मिलते हैं फिर आगे आपसे। और यहाँ पर सीढ़ियाँ देखें, सीधे लगता है स्वर्ग की तरफ जा रही हैं। इसलिए हम लोग नहीं गए क्योंकि हमें थोड़ा सा जिंदा रहना था, हमने ये रास्ता ही चुना। और यहाँ पर संजय पांडे है, राहुल डे भी है और तो पूरी टीम लग रही है। अनिश भाई कैसा रहा? मस्त। राहुल भाई कैसा रहा? मस्त। झकास झकास। हवा पानी कैसी आ रही है? हवा पानी मस्त आ रही है बस। ओहो, अब ये तो व्यू है यहाँ का, बहुत ही सुकून, हवा बहुत प्यारी आ रही है। अब वहाँ पे नीचे चल के भी जाना है, वो तो हम ग्रेविटी का यूज़ करके चले जाएंगे। चलो फिर, अभी हम नीचे की तरफ जा रहे हैं। आते बहुत थकान हो गई, यहाँ हवा भी बहुत बढ़िया चल रही है। तो सुबह धूप बहुत प्यारी निकली, लग तो रहा है जैसे 12 बज गए लेकिन अभी 7:30 का टाइम हो रहा है। सांड देवता खाना खाते भी टाइम टू गो बैक। पांडे जी चल, पंचर हो चुके थे ऊपर आते आते लोग, कुछ लोग टायर पंचर हो गए थे, कुछ लोग ही पंचर हो चुके थे। और यहाँ बहुत ही गंदा था पर अपने पाप धो सकते हो, कांटे वाला यहाँ छिल सकते हैं आपके हाथ पांव। क्यों इतनी गंदगी मचाते हो यार? बारिश का पानी होगा, नहीं कोई रीजन तो है नहीं इतना गंदा होने का इसका। गलती से कड़ी कचौरी खा ली भाई, पेट तो भरा है। और ये है जो सीढ़ियाँ हेवन तक आई थी, अब वो जहन्नुम तक जाएंगी। देखते हैं कैसी हालत खराब होती है अपनी। दोस्तों नीचे जाते समय आपको लग रहा होगा हम लड़की पीछे जैसे जा रहे हैं, लेकिन गलत, यहाँ लड़की हमारे आगे आगे जा रही है। दोस्तों यहाँ पर सीढ़ियों का काउंट मेरे हिसाब से अप्रोक्स 1000 होगा और यहाँ पर चलना बहुत ही रिस्की है क्योंकि एकदम सड़ी खड़ी सीढ़ियाँ हैं और हम बहुत ही आराम आराम से जा रहे हैं, तो इतनी वीडियो बनाना भी इम्पॉसिबल है, इसलिए हमने टाइम लैप बनाया। टाइम लैप में बड़ा ईजी दिख रहा होगा लेकिन ईजी नहीं है। I'm still frozen.